जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, संसार में सभी प्राणी सुख चाहते हैं और वह सुख भी अखंड, पूर्ण और नित्य चाहते हैं, परंतु मोहबस उसकी खोज करते हैं संसार के पदार्थों में, जो स्वयं अपूर्ण, खंड और अनित्य हैं। भगवान ने उनको सुख रहित और अनित्य अथवा दुखालय और अशाश्वत बतलाया है, सो सत्य ही है। जो वस्तु अपूर्ण, खंड और अनित्य होती है, वह कभी सुख नहीं दे सकती। फिर जगत में जो हम सुख देखते हैं, वह क्या है? वह है भ्रांति। असल में तो विषयों में सुख है, ऐसी कल्पना ही भ्रम है। भगवान ने भोगों को दुख योनि बतलाया है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं, ये हि सम स्पर्श जा भोगा दुख योनि आद्यंतवंत है कौन्तेय न ते सुरम ते बुद्ध है। अर्जुन, ये जो इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोग हैं, सब दुख की उत्पत्ति के स्थान हैं और आदि अंत वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष उन भोगों में कभी प्रीति नहीं करता। वस्तुतः जगत के सुख दुख सब केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर ही हैं। जहाँ अनुकूलता का बोध है, वहाँ सुख है, और जहाँ प्रतिकूलता का बोध है, वहाँ दुख है। किसी स्थिति, घटना या वस्तु में सुख दुख नहीं है। एक आदमी की मृत्यु होती है, उसमें जिनका ममत्व है, वे प्रतिकूलता का अनुभव करके रोते हैं, और जिनकी शत्रुता है, वे अनुकूलता के बोध से हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद मनाते हैं। नारद जी पूर्व जन्म में जब वे दासी पुत्र थे और बहुत छोटी उम्र के, अर्थात केवल 5 वर्ष के थे, तब उनकी आश्रयभूता एकमात्र माता को सांप ने डस लिया। माता मर गई। इस पर नारद जी को दुख नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि माता मेरे भजन में एक प्रतिबंधक थी। भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया, जो माता का देहांत हो गया। वे माता के इकलौते पुत्र थे, परंतु अनुकूलता की भावना से वे दुखी नहीं हुए। प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही नरसी भक्त के इकलौते और अत्यंत प्यारे जवान पुत्र की मृत्यु हो गई। नरसी जी ने उसमें अनुकूलता का अनुभव किया और दुखी न होकर वे गाने बजाने लगे। भलुम थयुम भांगी जंजाल सुखे भजी सुश्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल टूट गया, अब सुख से श्री गोपाल जी का भजन करूँगा। अतएव किसी घटना में सुख दुख नहीं है, वह तो अनुकूलता और प्रतिकूलता के भाव में ही है। प्रिय भाई बहनों, एक ध्यान का अभ्यास करने वाला साधक कोठरी बंद करके बैठता है और कहता है कि बाहर से ताला लगा दिया जाए, 3 घंटे कोई खोले नहीं। वह अंदर बैठकर मन को रोकने और इष्ट का ध्यान करने की कोशिश करता है। यद्यपि नया साधक होने से उसका मन टिकता नहीं, पर वह उसमें सुख का अनुभव करता है। और उसी कोठरी की बगल की दूसरी कोठरी में एक आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंद किया जाता है। वह बड़ा दुखी होता है और कहता है कि तुरंत मुझे बाहर निकाल दिया जाए। बंद करने वालों को वह दुर्वचन कहता है, साप देता है। दोनों की बाहरी स्थिति बिल्कुल एक सी है। दोनों ही एक सी जगह बंद हैं। दोनों के ही मन चंचल हैं, पर एक अनुकूलता का बोध करता है, दूसरा प्रतिकूलता का। इसी के अनुसार वे दोनों सुख दुख का भी पृथक पृथक अनुभव करते हैं। प्रिय भाई बहनों, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता को समझने के लिए एक दृष्टांत और सुनिए। एक आदमी अपने विपुल धन ऐश्वर्य का स्वेच्छापूर्वक त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है और दूसरे का धन छीनकर उसे वैरी लोग घर से निकाल देते हैं। दोनों समान धनहीन हैं, पर पहला प्रसन्न है और दूसरा दुखी है। इसका कारण वही अनुकूलता और प्रतिकूलता का बोध है। इससे सिद्ध है कि यहाँ के सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल भाव में ही हैं। एक भूखा आदमी है, बढ़िया बढ़िया भोजन पदार्थ बने हैं, वह खाने को लालायित है। खाने बैठता है, बड़ा स्वाद, बड़ा सुख मिलता है। भर पेट खा लिया, खूब आघा गया। अब वही पदार्थ यदि कोई उसे ज़बरदस्ती खिलाना चाहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, वह उद्विग्न हो जाता है। पहले अनुकूल भाव था, तब सुख मिला, प्रतिकूल होते ही दुख हो गया। अतः सुख दुख वस्तु में नहीं है। यह भी निश्चित है कि यहाँ की प्रत्येक अनुकूलता अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताओं को साथ लेकर आती है। एक अभाव की पूर्ति 10 नए अभावों की उत्पत्ति करने वाली होती है।
प्रिय भाई बहनों, यहाँ की वस्तु मात्र ही, स्थिति मात्र ही अपूर्ण, अनित्य, क्षणभंगुर, वियोगशील और किसी अन्य वस्तु या स्थिति से निम्न स्तर की है। जहाँ यह परिस्थिति है वहाँ प्रतिकूलता रहेगी ही, और प्रतिकूलता रहेगी तो दुख भी रहेगा। अतः कोई यह चाहे कि मैं जगत में सारी परिस्थितियों को सदा अपने अनुकूल बना लूँगा और परम सुखी हो जाऊँगा, तो यह सर्वथा असंभव है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। विचार के द्वारा प्रत्येक प्रतिकूलता को नारद जी और नरसिंह जी की भांति अनुकूलता में परिणत कर लेना पड़ेगा, तभी सुख होगा। और ऐसा करना मनुष्य के अपने हाथ की बात है। स्वरूपतः बाह्य परिस्थिति को बदल देना तो बहुत ही कठिन है। निश्चित प्रारब्ध होने पर तो असंभव सा ही है, परंतु विचार के द्वारा दुख को सुख रूप में परिणत करके सुखी हो जाना सहज है और अपने अधिकार में है। इसके कई तरीके हैं जो सभी सत्य के स्वरूप हैं। पहले तरीके में परम श्रद्धेय भाई जी कहते हैं, वेदांत की दृष्टि से जगत स्वप्नवत है, माया से ही यह सत्य भास रहा है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंत है न च आदि न च संप्रतिष्ठा। इसका स्वरूप जैसा दिखता है वैसा मिलता नहीं, और इसका न आदि है न अंत है, और न इसकी अच्छी तरह से स्थिति ही है। सिनेमा देख रहे हैं, नाना प्रकार के दृश्य दिखलाई दे रहे हैं, आवाज़ सुनाई पड़ रही है, परंतु कोई चाहे कि इन देखी हुई वस्तुओं को पर्दे के पास जाकर मैं ले लूं, तो उसे सर्वथा निराश होना पड़ता है। वहाँ सिवा सादे पर्दे के और कुछ है ही नहीं, अथवा जैसे स्वप्न की सृष्टि के पदार्थ और वहाँ की घटनाएं जागने पर नहीं मिलती, पर जब तक स्वप्न है तब तक यह पता नहीं लगता कि यह स्वप्न की सृष्टि कब से की स्थिति कुछ भी हो। इस प्रकार के निश्चय वाले पुरुष को सुख दुख कभी होता ही नहीं। गीता जी में भगवान ने कहा है कि वह प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, और अप्रिय अर्थात दुख जिसे लोग कहते हैं उसको प्राप्त करके वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके सब संदेह मिट गए हैं, वह ब्रह्म को जान गया है और ब्रह्म में स्थित है। वह निरतिशय आत्यंतिक आनंद का अनुभव करता है, आनंद रूप ही हो जाता है, फिर उसके लिए दुख रहता ही नहीं। ऐसी स्थिति न हो तब तक विचार पूर्वक ऐसी धारणा करे, इस धारणा से ही दुख का नाश हो जाता है। दूसरे तरीके में भाई जी कहते हैं, जगत में जीवों के लिए फल स्वरूप से जो कुछ भी प्राप्त है सब सर्वशक्तिमान जीवों के परम सुहृद भगवान के नियंत्रण में और उनके विधान से होता है। मंगलमय प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है, देखने में चाहे कितना ही भयंकर हो पर वास्तव में वह कल्याणमय ही है। निपुण डॉक्टर जहरीले फोड़े का ऑपरेशन करते हैं, छुरियों से अंग को काटते हैं, दर्द भी होता है, पर डॉक्टर यह क्रूर कार्य करते हैं रोगी के मंगल के लिए, तथा रोगी यदि विश्वासी और समझदार है तो वह इस निष्ठुर पीड़ादायक कर्म में भी डॉक्टर की दया मानकर प्रसन्न होता है और उसका कृतज्ञ होता है। इसी प्रकार हमारे परम सुहृद मंगलमय भगवान भी कभी कभी हमारे मंगल के लिए ऑपरेशन किया करते हैं। इस बात पर हमें विश्वास हो जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं। छोटे बच्चे को माँ रगड़ रगड़ कर नहलाती है, बच्चा रोता है, पर माँ उसके शरीर का मैल उतार कर उसे स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाकर नए कपड़े पहनाने और सजाने के लिए ही यह आयोजन करती है। इसी प्रकार भगवान भी हमें निर्मल और पवित्र बनाने के लिए पापों का फल कष्ट भुगताया करते हैं, इसमें भी उनका वात्सल्य और कारुण्य भरा रहता है। इस दृष्टि से यदि हम विश्वासपूर्वक विचार करें तो फिर दुख नामक कोई वस्तु नहीं रह जाती। हम हर हालत में भगवान के मंगल विधान का दर्शन करके भगवान के मंगलमय कर कमल का स्पर्श पाकर आनंद मुग्ध रह सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, तीसरे उपाय में परम श्रद्धेय गुरुजी कहते हैं, बड़ा ही ध्यान देने योग्य और सूक्ष्म विषय है, जगत में वास्तव में दो ही तत्व हैं, भगवान और भगवान की लीला। ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ है सब भगवान है, और जो हो रहा है सब भगवान की लीला हो रही है, एवं लीलामय और लीला में वैसे ही अभेद है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति में।
अथवा सूर्य और सूर्य के प्रकाश में। अतः हमारे साथ जो कुछ हो रहा है सब हमारे प्रियतम भगवान की लीला ही हो रही है। इस लीला का समय स्पर्श वस्तुतः लीलामय भगवान का ही समय स्पर्श है। विश्वासपूर्वक इस प्रकार का भाव हो जाने पर दुख का सर्वथा अभाव हो जाता है। क्षण क्षण में प्रत्येक सुख दुख संज्ञक भोगों में लीला विहारी भगवान का मंगलमय स्पर्श प्राप्त होता रहता है, जिससे नित्य नव नव आनंद रस की धारा बहती रहती है। प्रिय भाई बहनों, ये तीनों ही बातें सिद्धांततः सत्य हैं। जगत स्वप्नवत है, केवल ब्रह्म ही व्याप्त है। जगत में सब कुछ मंगलमय भगवान के मंगलमय विधान से मंगल ही हो रहा है, और जगत में भगवान ही अपने आप से आप ही खेल रहे हैं। तीनों का ही तात्विक स्वरूप एक ही है। यह वस्तुतः सत्य को सत्य में देखना है। जो मानव जीवन का परम कर्तव्य है, इसी का फल भगवत प्राप्ति या पूर्ण सुखरूप मोक्ष है। इस प्रकार अशेष दुखों से छूटकर मनुष्य भगवत कृपा से अपनी इसी आय में अखंड और पूर्ण सुख की प्राप्ति कर सकता है। इच्छा, विश्वास और तत्परता होनी चाहिए। प्रिय भाई बहनों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि एक बार अपने हृदय में गदा, शंख, चक्र और पद्धारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।